हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स सो गाइस एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्टी सिक्स सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक like के साथ साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन वन टू सिक्स है अनसिन पैसेज सो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे उसके बाद अनसिन पैसेज से फाइंड आउट करेंगे सो नंबर वन इज वॉट फिश आउट ऑफ वाटर सजेस्ट पैसेज के अंदर एक मुहावरा यूज हुआ है अ फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब बताना है यानी पानी के बाहर एक मछली तो हम सभी जानते हैं नॉर्मली मछली पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर का वातावरण उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है फेमिलियर है बट अगर मछली पानी के बाहर है इसका मतलब वो एक अनफेमिलियर सराउंडिंग में है एक अनजान वातावरण में है सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स एक अनजान वातावरण में होना अन फेमिलियर सराउंडिंग अन होनाबलरी से जो क्वेश्चन से सोल्व करने होंगे पैसेज के अंदर आपको इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे बाकी जो क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड हैं उनमें हम की की हेल्प से आंसर फाइंड आउट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर टू है विच फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड नियर द विलेज उलापुर तो उलापुर के पास में कौन सी फैक्ट्री थी ये बताना है So, यहां पर आपका कीवर्ड हो गया फैक्ट्री उलापुर जब हम पैसेज पढ़ेंगे वहां पर इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे सो so, की वर्ड अभी के लिए नोट कर लीजिए फैक्ट्री उलापुर द नंबर थ्री इज एट टाइम्स द पोस्ट मास्टर रोड यानी पोस्ट मास्टर क्या लिखा करता था पोएम शॉर्ट स्टोरीज नॉवल्स ड्रामा यह बताना है इसके बाद में नंबर फोर है द पोस्ट मास्टर रोड ओन यानी किस चीज के ऊपर लिखता था किसके बारे में लिखता था प्रकृति के बारे में या मौसम के बारे में खुद के बारे में या गांव के बारे में देन नंबर फाइव इज द एजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब पोस्ट मास्टर्स लिविंग रूम इज पोस्ट मास्टर का लिविंग रूम यहां पर की वर्ड हो गया कैसा है बताना है डार्क ब्राइट लाइक डीप ये बताना है देन नंबर सिक्स इज फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू नियर सो वो कैबलरी का क्वेश्चन है कोशिश कीजिए विदाउट पैसेज की हेल्प आप सोल्व कर दें सो so, यहाँ पर नियर का मतलब क्या है पास और पास का अपोजिट हो जाएगा दूर और अगर आप ऑप्शंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसका मतलब है दूर यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नियर का अपोजिट रिमोट क्योंकि नियर का मतलब है पास और रिमोट का मतलब है दूर ठीक है कन्वीनियंट का मतलब सुइटेबल ठीक है फेमिलियर क्लोज का मतलब पास और अननोन का मतलब अनजान तो कोई भी अदर ऑप्शन नहीं हो सकता अब आपके पास सभी की हैं अब हम चलेंगे पैसेज की तरफ वहां पर आंसर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहला आपका कीवर्ड था फैक्ट्री ठीक है कौन सी फैक्ट्री सिचुएटेड है तो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन है एन इंडिगो फैक्ट्री किस चीज की की फैक्ट्री फैक्ट्री थी इंडिगो यानी नील की अब नील क्या है एक डाई है सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डाई की फैक्ट्री थी उलापुर गांव के पास इसके बाद में था पोस्टमास्टर क्या लिखता था सो यहां पर आपको आना होगा फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पर एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्स और टू यानी वो क्या लिखता था वर्स लिखता था वर्स का मतलब है कविता यानी पोएम सो आंसर आपको मिल गया क्या लिखता था वो पोएम लिखता था ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया इसके बाद आपका क्वेश्चन था किसके ऊपर लिखता था किसके बारे में लिखता था सो so, जो आपने अभी अभी आंसर निकाला इसी के आगे लाइन है दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई तो मूवमेंट ऑफ लीव्स यानी पेड़ पत्तों के बारे में लिखता था और क्लाउड्स ऑफ स्काई यानी आपका जो आसमान वगैरह है जो क्लाउड्स वगैरह है उनके बारे में तो बेसिकली ये क्या है जो प्रकृति की सुंदरता है उस पर आधारित पोएम लिखता था कविता लिखता था सो आपको आंसर मिल गया किसके बारे में लिखता था ब्यूटी ऑफ नेचर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में बताना है पोस्टमास्टर का लिविंग रूम कैसा है सो लिविंग रूम के लिए आपको आना होगा सेकेंड पैराग्राफ में यहां पर हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम यानी कि सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क शेड सो आंसर आपको मिल गया लिविंग रूम और ऑफिस कहां पर है डार्क में so, ठीक है सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा डार्क सिक्स नंबर आप कर चुके हैं सो so, पैसेज आपका कंप्लीट हो गया अगर आप कीवर्ड्स की हेल्प से करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर एक ही बार में आप उनके सभी के आंसर पैसेज पढ़ के निकाल सकते हैं अदरवाइज आप बार बार पैसेज पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट होगा सो so, इस तरीके से सोल्व करेंगे आगे चलते हैं डायरेक्शन सेवन टू नाइन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ईच क्वेश्चन नंबर सेवन इज स्टर्न इज अनोनिम ऑफ स्टर्न का सिनोनिम बताना है सो so इसका मतलब है कठोर और कठोर को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया स्टर्न का सिनोनिम स्ट्रिक्ट अदर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है लीनियंट जिसका मतलब है उदार या फिर दयालु यंग का मतलब है जवान स्टेम का मतलब तना द नंबर एट इज द वर्ड कंडोन मीन्स कंडन का मतलब है कोई भी बुरी चीज होती आपको दिख रही है किसी भी बुरी चीज को अनदेखा करके उसका समर्थन करना यानी सपोर्ट करना सो so, कंडन का मतलब क्या हो गया सपोर्ट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा फॉरगिव का मतलब माफ कर देना फॉरगेट यानी भूल जाना और डिफेंड का मतलब है रक्षा करना या फिर किसी को बचाना देन नंबर नाइन इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डोरमेंट इज डोरमेंट का अपोजिट बताना है सो so सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए डोरमेंट का मतलब है सुस्त यानी इनएक्टिव अब इनएक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्टिव यानी फुर्तीला इंसान सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा डोरमेंट का अपोजिट एक्टिव देन डायरेक्शन टेन टू इलेवन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नंबर टेन इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नॉन एज यानी जो ध्वनि है जो आवाजें हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं सो so, उसको बोला जाएगा D, जाएगा फोनेटिक्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो क्योंकि फोन का मतलब क्या है साउंड सो so, वहीं से बनाए फोनेटिक्स देन नंबर इलेवन इज वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन अ टोम सो टोम का मतलब क्या है समाधि तो so, समाधि के ऊपर जो लिखे होते हैं वर्ड्स उनको क्या बोलते हैं सो so, उसको बोलते हैं एपिटेफ ठीक है एपीटेफ आपका दो वर्ड से मिलकर बना है एपी जिसका मतलब है अपोन उपर, टेफ का मतलब तो यानी के ऊपर जो चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं समाधि लेख द नंबर इज चूज करेक्टली वर्ड स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है बिजनेस की सही स्पेलिंग बतानी है सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेवन यहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है क्वेश्चन की स्पेलिंग बतानी है सो so, वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा जहां से आप चेक भी कर सकते हैं द नंबर फोर्टीन इज द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है सेंटेंस आपका है रितु सेट टू यू यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी सो so, इनडायरेक्ट बनाना है किस तरीके से बनाएंगे देखिए सबसे पहले जो आपका सेड टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में क्योंकि सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं टोल्ड यू टोल्ड यू टोल्ड यू सो दैट तक सभी ऑप्शन सेम है इसके बाद की अगर बात की जाए तो यहां पर दैट के बाद क्या आएगा यू आपका एज इट इज यूज होगा क्लियर तो यहां पर या तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यहां पर जो शी और आई यूज किया ये नहीं हो सकते क्लियर

प्रेटी वर यानी पास्ट और आईएनजी यानी कंटिन्यूस सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा द नंबर 15 इज व्हाट डज द फ्रेज अ केक वॉक मींस एक फ्रेज दिया गया है केक वॉक इसका मतलब बताना है तो केक वॉक का मतलब है एक बहुत ही आसान सी उपलब्धि एक बहुत ही आसान काम यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा एन इजी अचीवमेंट जैसे काफी बार क्या होता है मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये हलवा है तो यानी वही चीज है यानी बहुत ही ज्यादा आसान है हलवा है या केक वॉक है तो उसको हम केक वॉक भी बोल सकते हैं कोई भी आसान काम कोई भी आसान उपलब्धि वो होगी केक वॉक देन डायरेक्शन सिक्सटीन टू सेवनटीन है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सिक्सटीन इज वेयर कैन यू फाइंड योर लगेज सो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पैसिव बनाना है और जो आपका सेंटेंस है ये स्टार्ट तो आपका पैसे भी डब्लू एच फैमिली होगा से ही बनेगा आपका. एक आप जब एक्टिव पैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होती सो so यहाँ पर कैन जो है वो एज इट इज यूज होगा इसका कुड़ नहीं हो सकता विल नहीं हो सकता यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा वेयर कैन योर लगेज बी फाउंड क्लियर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा द नंबर सेवनटीन इज हिज फ्रेंड्स एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है हिम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा ही इसके बाद में एक चीज देखी जाए तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट में क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी सिंपल पास्ट में बनेगा यानी कैन का यूज नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज हम नहीं लगा सकते बीइंग नहीं आ सकता क्योंकि कंटीन्यूअस का सेंटेंस नहीं है हैड नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है बच्चा आपके पास ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर हो जाएगा ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हिज फ्रेंड्स क्योंकि ये सेंटेंस आपका जो है सिंपल पास्ट का बना है क्लियर द नंबर 18 इज फॉर्म अ वर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड एक वर्ड आपको दिया गया है riches. इससे क्या बनाना है वर्ब सो रेचिज का मतलब क्या है वेल्थ ठीक है यानी धन मनी सो so, ये क्या है? एक नाउन है किसी चीज का नाम है ठीक है मनी उसको बोलते हैं तो ये आपका नाउन है और नाउन से बनानी है वर्ब सो so, वर्ब क्या बन जाएगी एनरिच ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा किसी पर्सन को वेल्दी बनाना किसी पर्सन को धनी बनाना ठीक है वो आपका कहलाएगा एनरिच तो एक काम है ठीक है किसी को कुछ बनाना

ही नॉट ओनली प्लेज टेनिस रेगुलरली बट ऑल्सो क्रिकेट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आपने काफ़ी सारे कंजक्शंस सुने होंगे जो पेयर में यूज़ होते हैं जैसे आयदर है तो ओर भी आएगा नाइदर है तो नोर भी आएगा तो ये पेयर है आयदर ओर नाइदर नोर उसी तरीके से एक पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इनका यूज करेंगे तो इनके बाद आने वाली जो ग्रामेटिकल यूनिट है जो वर्ल्ड है वो आपका सेम होने चाहिए दोनों के बाद ठीक है जैसे आइदर के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो और के बाद भी एक नाउन ही आनी चाहिए यानी पैरलिज्म को ये फॉलो करना चाहिए यानी ये कुछ ऐसे कंजक्शन हैं जो पेयर में यूज होते हैं और दो ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं जो ग्रामेटिकली सेम हो यानी या तो दोनों नाउन होंगे या दोनों वर्ब होंगे या दोनों एजेक्टिव होंगे या दोनों एडवर्ब होंगे क्लियर अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ आएं तो यहां पर भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है सो तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा पैरलिज्म का तो बट ऑल्सो के बाद अगर आप देखें तो आया है क्रिकेट यानी बट ऑल्सो के बाद एक नाउन आई है तो नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन आनी चाहिए सो तो यहां पर आप क्या करेंगे ये जो आपका ए पार्ट है यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे कैसे इसको कर देंगे ही प्लेज नॉट ओनली टेनिस रेगुलरली बट ऑल्सो क्रिकेट तो आपने क्या किया नॉट ओनली जो है उसके बाद में आप टेनिस का यूज कर लिया ठीक है प्लेज आपने नॉट ओनली से पहले लगा दिया ही प्लेज नॉट ओनली टेनिस तो नॉट ओनली के बाद टेनिस आया यानी एक नाउन और बट ऑल्सो के बाद क्रिकेट आया ये भी एक नाउन तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा यानी ए पार्ट में आपका एरर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया और एरर क्या है उसको भी ध्यान से देखिए यहां पर क्या करना है ही प्लेज नॉट ओनली टेनिस ठीक है रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया पेललिज्म का इसके बाद में नंबर ट्वेंटी है इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड तो याद रखिए ये भी आपका रूल कंजक्शन है नथिंग एल्स के साथ में बट का यूज होता है देन का यूज नहीं होता यानी सी पार्ट में आपका एरर है आप यहां पर क्या करेंगे देन को रिप्लेस कर देंगे बट से सो सी पार्ट में एरर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन की सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिजनेस की स्पेलिंग बतानी थी एंड थर्टीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन एयर की स्पेलिंग बतानी थी सो so आज के सेशन में इतने रखते हैं थैंक यू